पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आतंकी गतिविधियों और बढ़ते क्राइम को देखते हुए आईजी रेलवे आज मुरादाबाद पहुंचे और अपने अधीनस्थ के साथ बैठक की। बैठक में सभी घटनाओं की जानकारी ली और बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की। इस दौरान बैठक में मौजूद अधिकारियों को गलत रिपोर्ट और सही जानकारी न देने पर लताड़ भी लगाई। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि रूटीन चेकअप के लिए मुरादाबाद आना हुआ है, तो वहीं आतंकी गतिविधियों के सवाल पर बोलते हुए कहा कि हमारी पुलिस आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए भी तैयार है और किसी भी तरह की घटना को नहीं होने दी जाएगी। साथ ही समय समय पर ट्रेनों और स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है, तो वहीं क्राइम के ग्राफ को बढ़ाने पर कहा कि अधिकारियों के द्वारा घटनाओं का यदि अनावरण नहीं किया जाए तो ही माना जा सकता है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा समय समय पर घटनाओं का अनावरण किया जाता रहा है, जिससे साफ है कि सभी क्राइम कंट्रोल में हैं। देखिए, एक पुलिस में परंपरा है जिसको कहते हैं एनुअल इंस्पेक्शन। डिफरेंट लेवल के ऑफिसर्स के द्वारा एनुअल इंस्पेक्शंस किए जाते हैं, जिसमें एसपी, जीआरपी, डीआईजी, आईजी, इनके द्वारा एनुअल इंस्पेक्शंस होते हैं। तो ये एनुअल इंस्पेक्शन का एक पार्ट है, जिसमें कि हमको पुलिस ऑफिस, मतलब इनके ऑफिस का इंस्पेक्शन, इनकी पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन, थाना अध्यक्षों के साथ गोष्ठी और इसी के साथ थानों का निरीक्षण। तो आज मैं एक थाने का निरीक्षण भी करूंगा, अब इसके बाद मीटिंग के बाद, मुरादाबाद जंक्शन जो मेन स्टेशन है उसका, जीआरपी का। तो ये एक उसकी वजह से मेरा यहाँ आगमन हुआ है। क्राइम के परिप्रेक्ष्य में एसआरपी मुरादाबाद के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और भी बेहतर करने की कोशिश थाना अध्यक्षों के द्वारा की जा रही है। लगता है कि अभी बदलाव की आवश्यकता है, थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत तो बिल्कुल होनी चाहिए, कर भी रहे हैं, लेकिन और आवश्यकता। देखिए, जीआरपी के द्वारा आरपीएफ और रेलवे के साथ और जिला पुलिस के साथ मिल करके ट्रेन्स की चेकिंग, प्लेटफॉर्म की चेकिंग और इसी तरीके से रेलवे ट्रैक की चेकिंग, जिसमें कि इम्पोर्टेंट वेंटेज एरियाज हैं, उन सब की चेकिंग की जा रही है और डेली बेसिस पे हो रही है। अगर आप देख रहे होंगे, हर एक स्टेशन को हमने कवर किया है। इसके अतिरिक्त मूविंग ट्रेन के अंदर जो एस्कॉर्ट का सिस्टम है जीआरपी का और आरपीएफ का, उन एस्कॉर्ट्स के लिए भी एक हम लोगों ने निश्चित व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिसके तहत जो हम लोग इंश्योर करते हैं कि एस्कॉर्ट पार्टी ट्रेन के अंदर है और जो संबंधित प्लेटफॉर्म ड्यूटी है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की। इसके साथ साथ अगर किसी को भी कोई संदिग्ध वस्तु या कोई चीज़ दिखाई देती है रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन पे या कहीं भी, उसके लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है कि अगर किसी को दिखाई देता है तो वो 100 नंबर पे डायल करके, यूपी 100 पे डायल करके जीआरपी तक ये मैसेज पहुंचा सकता है और जीआरपी उसमें तत्काल कार्रवाई करती है। देखिए, बेसिकली जो चेकिंग है हम लोगों की, चेकिंग व्यवस्था, वो डेली बेसिस पे हो रही है, सरप्राइज एलिमेंट के साथ हो रही है और बहुत ही थॉरो करके की जा रही है। तो चेकिंग हम लोगों की जारी है, चाहे वो मूविंग ट्रेन में हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे हो या ट्रैक पे हो। अच्छा, एक सवाल उठता है, यात्रियों को अगर परेशानी की बात की जाए तो ट्रेनों में कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का गैंग एक सक्रिय रहा है और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ, लगातार वीडियो वायरल होते रहे हैं, जिस तरह से उनसे पैसे वसूले जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उस पर क्या कोई? देखिए, बड़ी क्लियर बात है, यूपी 100 के साथ जीआरपी का इंटीग्रेशन हो गया है। अगर पब्लिक को कहीं कोई चीज़ दिखाई देती है, बदमाशी दिखती है, चाहे वो फोर्स की बदमाशी हो, चाहे वेंडर्स की, चाहे रेलवे विभाग के कर्मचारियों, किसी की भी, 100 नंबर पे सूचना दें, तत्काल कार्रवाई उसमें की जाएगी। लेकिन संज्ञान में आने के बावजूद भी ऐसा, अभी एक मुरादाबाद में एक वीडियो वायरल हुआ, संज्ञान में भी था और सवाल भी उठा कि मिली भगत भी रही, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये आप मुझे अब बता रहे हैं, मुझे लगता है एसआरपी मुरादाबाद बिल्कुल सक्षम है और बिल्कुल तत्काल कार्रवाई करेंगे। अगर कोई चीज़ आपको लगती है जो एसआरपी के लेवल पे नहीं हैंडल हो रही है और ऊपर जाने की ज़रूरत है, हम तक बताई जाए, या 100 नंबर पे तो नोट होता है, रजिस्टर होता है और 100 नंबर पे फॉलोअप होता है, तो 100 नंबर पे बताइए, बिल्कुल उसमें कार्रवाई होगी। देखें तो क्या कोई बढ़ोतरी हुई है, कमी है? देखिए, क्राइम तो अभी रिव्यू हम कर ही रहे हैं और क्राइम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वर्कआउट होना। अगर क्राइम हो रहा है और उसके बाद वो वर्कआउट हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि पुलिस उसके लिए काबिल-ए-तारीफ बात है पुलिस।